बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। मेरे ग्रुप का नाम है सोल्जर्स और जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें है हुसैन सर रहील, हाफिज मोहम्मद वकील और मोहम्मद अहमद अकरम हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यूज़र इंटरेक्शन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ किस लिए यूज़ होता है और ये किस का मकसद है। सबसे पहले ये बताना है कि प्रिंटफ यूज़ होता है जो हम मतलब के देते हैं इनपुट उसका आउटपुट लेने के लिए। और प्रिंटफ इसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये होता है कि जो जो डाटा टाइप होता है वो उसको फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है जो जो इनपुट और आउटपुट होता है। ये हमेशा परसेंटेज साइंस में होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये इसको परसेंटेज साइंस जाहिर करते हैं। इसके बाद आता है स्कैनफ। स्कैनफ यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है जो मतलब हमने जो ये स्क्रीन है हमने ये जो कमांड देनी जो प्रोग्राम्स की एक एग्जांपल है इससे आप उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। ये एक प्रोग्राम है प्रिंटफ आउटपुट की होता है स्कैनफ। सबसे पहले ने हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लगाना है, फिर वॉइड मेन, फिर हमने जो डाटा टाइप लेना है वो हमने लेना है इंग्लिश, उर्दू और मैथ और टोटल, यानी इनका सम जो होगा उसका टोटल हमने निकालना है। और यहाँ पर प्रिंट ऑफ सबसे पहले हमने मास लें इंग्लिश के, यहाँ पर डबल कोट में हमने लिखना मास ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू डबल कोट पैकेट बंद सेमी कॉलन। यहाँ पर स्कैन ऑफ परसेंट नहीं डी, यहाँ पर वो डाटा टाइप नहीं लिखेगा, यहाँ पर वो फॉर्मेट फॉर्मेट लिखेगा। और अब हमने नंबर के किसके लेने वो है इंग्लिश के, फिर वो उसको प्रिंट ऑफ करेगा, यहाँ पर उसके नंबर प्रिंट ऑफ करेगा। अब दूसरी बात जब हमने उर्दू के नंबर लेने फिर प्रिंट ऑफ लगाना है, फिर बैकलैश एन का मतलब यानी अगली लाइन पे, फिर हमने मैथ के नंबर लेने फिर वैसे डबल कोट फिर ब्रैकेट बंद फिर सेमी कोलन लगाना है, फिर स्कैन ऑफ फिर वो डाटा टाइप का नाम नहीं लिखा वो भी इंटी है, फिर वो उसकी जगह परसेंट डी लिख देगा और मैथ लिखेगा, यहाँ पर नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अब बैंड पर हमें टोटल करने हैं, टोटल के लिए कम्युनिकेशन लगानी है टोटल इंग्लिश प्लस मैथ यानी इनका सम होगा वो भी प्रिंट ऑफ करेगा डबल कोट में टोटल इक्वल टू यहाँ परसेंट डी और टोटल कर देगा। यहाँ पर वहाँ जो उनका जो नंबर टोटल होगा वहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। और एंड पर स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमें लगाना है गेट सी एच। उम्मीद है कि आप सबको अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। अब मैं दावा दूंगा मुसनसर रेल को, यहाँ पर आए और अपना वर्क करें। मुसनसर रेल मेरा नाम मुसनसर रेल है और आज का टॉपिक है हमारा गेट सी एच। गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट करेक्टर। गेट सी एच फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो जो यूज़र से करेक्टर इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है, जो करेक्टर आप इनपुट लेते हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। फिर ये फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? ये फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यानी रोकने के लिए। और प्रोग्राम उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक यूज़र अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करेगा और ये फंक्शन यूज़ करने के लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जो आपके पास है कॉनियन डॉट एच। इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम कॉनियन डॉट फाइल यूज़ करेंगे और कॉनियन डॉट फाइल यूज़ करेंगे और अब डेफिनेशन है हमारे पास। गेट सी एच फंक्शन इज़ यूज टू रीड करैक्टर फ्रॉम यूज़र। यूज़र से करैक्टर रीड करने के लिए हम गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। द करैक्टर एंटर बाई यूज़र एंड डज नॉट गेट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। और जो करैक्टर यूज़र एंटर करेगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपके पास एक आइडेंटिफायर होता है कंपाइलर के तौर पर, कंपाइलर के लिए, जो कंपाइलर को ये बताता है कि लाइन का इख्तिताम हो चुका है यानी लाइन ख़त्म हो चुकी है। सी लैंग्वेज के अंदर सेमी कॉलम स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर होता है या बतौर स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलम यूज़ होता है। सी लैंग्वेज के अंदर आप जब भी कोई लाइन ख़त्म करेंगे तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर ज़रूर लगाएंगे। अदरवाइज अगर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं यूज़ करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर जनरेट कर देगा। और इसकी डेफिनेशन है आ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ आइडेंटिफाई विच कंपाइलर। कंपाइलर के लिए एक आइडेंटिफाई विच आइडेंटिफाई एंड ऑफ अ लाइन, जो आइडेंटिफाई करता है कि लाइन ख़त्म हो चुकी है। इन सी लैंग्वेज सेमी कॉलम इज़ यूज एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर एक सेमी कॉलम के तौर पर इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हमारे टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस। इसको समझ आई होगी, अगर किसी को कोई डाउट आए तो वो शेयर कर सकता है।
चलो इसके बाद में हमने फीस को मैं गुजारिश करता हूँ कब स्टेज पर है। मुझे उम्मीद है कि जो हमने यहाँ पे आपको बताया वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब जो हमने समझाया है उसमें से आपने एक एक लफ्ज़ लिखना है। हाँ जी लिखे, ये बस स्टॉप यार बस स्टॉप। अब ये प्रिंटर यार ठीक है, एक मिनट मीटर सही, जो दो बार उसको सही कट करना है, जो दो बार ये इधर भी आया है टीम ए के 12 पॉइंट्स हैं और टीम बी के 11 पॉइंट्स हैं, तो आज की मेरी टीम ए है। क्लैपिंग करो,